नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो धन्यवाद। लास्ट वीडियो को बहुत प्यार मिला है, जिसके बाद सडनली जो चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं और जो व्यूज़ हैं वो सडनली बढ़े हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा। अब एक सवाल जो बहुत बड़ा आने वाला है, क्योंकि देखिए ये हमेशा मैंने कहा है कि ये यूट्यूब चैनल आप लोग का चैनल है, जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं ये चैनल चलाने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से फेस कैम पर आकर सीधे सीधे कि क्या आपको मैथ्स की क्लासेस चाहिए, तो जिस पे आप लोगों ने कहा था कि हाँ हम लोग को बिल्कुल क्लासेस चाहिए मैथ्स की, तो मैंने वो स्टार्ट किया है। दो चैप्टर नंबर्स और एलसीएम एचसीएफ ख़त्म हो चुका है। एलसीएम एचसीएफ का जो वीडियो है वो बहुत ही बढ़िया वीडियो है। मीन्स अगर आपने वो ख़त्म कर लिया तो मेरे हिसाब से आपको एलसीएम एचसीएफ दोबारा कहीं भी देखना नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैंने उसमें लगभग सब चीज़ें डाली हैं। नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन नंबर्स में क्या है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने वो सभी क्वेश्चन उस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब जो बात यह है कि जो हमारा साइंस की सीरीज़ है वो अब समाप्त होने वाली है। एक चैप्टर बचा है जिसकी वीडियो कल आपके सामने आ जाएगी और साइंस की सीरीज समाप्त हो जाएगी। क्लास 8th के सारे हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे चैप्टर्स के लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्टली जाके वहाँ से सभी चैप्टर्स को एक साथ देख सकते हैं। वैसे प्लेलिस्ट भी चैनल पे बनी हुई है, बट बहुत से व्यूअर्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा इतना नहीं पता कि प्लेलिस्ट कहाँ होती है या क्या से क्या होता है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब सवाल उठता है कि ये सीरीज़ हो गई ख़त्म, कल लास्ट उसका क्लास हो जाएगी, फिर बचती है क्लास 6 और क्लास 7 की साइंस, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट या टफ नहीं है जिसके लिए मैं पूरी एक सीरीज चलाऊं, तो होगा क्या, सीरीज जरूर चलेगी बट वो कंटिन्यूशन में ना होकर वो बीच बीच में संडेज या फिर किसी छुट्टी पर या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पे या कैसे भी करके मैं वो ख़त्म ज़रूर कराऊंगा, मैं छोड़ूंगा कहीं भी नहीं, आप इसके लिए परेशान मत होना। बट फिलहाल अब जो कंटिन्यूशन में सीरीज लाने चाह रहा हूँ तो वो आप लोगों की, अब मुझे फिर से ज़रूरत है कि आपको किस चीज़ की कंटिन्यूशन में सीरीज़ चाहिए। बीच बीच में जो मुझे एक्स्ट्रा डालनी होती है मैं वो डालता रहता हूँ। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स के लिए मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है, जिस पे भी करीब 1000 से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं, जिसका व्यू जिस पे बहुत प्यार आप लोगों को मिल रहा है, और मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा। बट फिर से बोल देता हूँ, देखिए जो करंट अफेयर्स होते हैं वो डेली वाले नहीं पढ़ने होते। देखिए आप बैंकिंग के स्टूडेंट नहीं हैं, डे टू डे करंट अफेयर बैंकिंग वालों के लिए भले आप इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर जो आईएएस पीसीएस वाले हैं आप लोग को सुपर टेट देना, आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है मंथली करंट अफेयर्स। मैं मंथली करंट अफेयर की सीरीज अब लाने वाला हूँ। आपका एग्ज़ाम हम एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में होगा, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, दैट मींस कि आपको कम से कम 9 महीना, और अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो 1 साल का करंट अफेयर आपके पास पूरा होना चाहिए। तो मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर मंथली कराने वाला हूँ, तो वो जो मंथली वीडियो आएगी तो डेफिनेटली लंबी भी होगी और उसको बनाने में टाइम भी लगेगा। तो जल्द से जल्द मंथली वीडियोज़ आपके सामने आएंगी। अब जनवरी से लेकर अब दिसंबर तक पूरा कवर करेंगे ताकि कोई चीज़ छूटे ना। तो एक चीज़ तो डिसाइडेड है जो कि बीच में आएगा वो है आपका मंथली करंट अफेयर का। दूसरा जो 6 और 7 क्लास की जो एनसीईआरटी के जो मुझे लगेंगे कि नहीं इंपॉर्टेंट है, इनका आना ज़रूरी है या ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो मैं डालता रहूँगा। और कंटिन्यूशन में अब आपको किस सब्जेक्ट की, मतलब लाइक लोग कहेंगे जीएस, तो जीएस नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी क्या उसकी बात करनी है तो उसकी बात करेंगे। किस सब्जेक्ट की चाहिए कमेंट करिए, जिधर हमारी जनता जाएगी उधर मैं जाऊंगा और उसका वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा। तो जल्द से जल्द कमेंट करिए, क्योंकि तो बनाने में टाइम लगता है आपको पता है, तो कंटेंट तो ढूंढना पड़ता है, सब चीज़ों को मिलाना पड़ता है, फिर जाके वीडियो बनती है, टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ फास्ट 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 कमेंट करिएगा इस वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो किसकी हो, सीरीज किसकी चलाऊँ, सब्जेक्ट के साथ डालिएगा तभी काम बन पाएगा, वरना फिर से एक वीडियो कन्फ्यूजन के लिए आने पड़ेगी। इसलिए और बहुत से Q&A की बात चल रही है, बहुत दिन से क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं, उनके मुझे आंसर्स देने, काम बहुत है, टाइम कम है, एक अकेली जान क्या क्या करे। तो प्लीज़ कमेंट में आइए, फटाफट चैप्टर बताइए, सॉरी सब्जेक्ट बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए,
और मैं उस पर काम करना शुरू करता हूँ। जो साइंस की पूरी सीरीज़ ख़त्म कर दी है, प्लीज़ थोड़ा सा उसको और प्यार दीजिए। अभी उस पर उतने व्यूज़ नहीं हैं, क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ मैं उस चीज़ में। बट आप लोग देखिए, आपके काम की चीज़ है, मेरे काम की चीज़ नहीं है। मेरा सुपर टेट नहीं निकलना, मेरा हो चुका है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी आ रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अब नेक्स्ट Q&A आना है, 6th 7th की साइंस की वीडियोस बीच बीच में डालता रहूँगा। एंड करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट मंथली सीरीज़ आएगी, उसको ज़रूर देखना। टॉप क्वेश्चंस ही लेके आऊँगा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और आपको बताना है नेक्स्ट कंटिन्यूशन में सीरीज़ किस सब्जेक्ट की चाहिए। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहा करिए। आप लोगों के केवल व्यूज़, लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन से ही मुझे पावर मिल जाती है, काम करने मज़ा आता है। और आपने वीडियो अगर मेरी देखी हो, वो वाली की जिसमें मैं 100 किलोमीटर जाता हूँ डेली स्कूल, अभी भी मैं लौट के आया हूँ स्कूल और फिर ये वीडियो बना रहा हूँ, हालत आप देख सकते हैं कैसी हो जाती है स्कूल से आने के बाद, क्योंकि 100 किलोमीटर ड्राइव करना आसान नहीं है और स्कूल में काम बहुत होता है। तो प्लीज़, केवल आपका छोटा सा काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब और कुछ नहीं। वीडियो को समाप्त करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए ताकि नेक्स्ट डे खाली ना जाए, कोई ना कोई वीडियो ज़रूर आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।